तीसरा सवाल ये पूछा है, क्या शादी से पहले लड़का लड़की का एक दूसरे को देखना जायज़ है या नहीं, और अगर मुलाकात कर लें तो जायज़ है या नहीं, क्योंकि मैं शादी से पहले अपनी होने वाली बीवी से मिलना चाहता हूँ, या ये कह लीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि लड़की मुझे एक बार देख ले ताकि मेरी कमी बेशी से वो अनजान ना रहे, फिर बाद में परेशानी हो। तो भाई देखें, शादी से पहले बाकायदा प्लानिंग करके लड़का लड़की का मिलना, इसलिए कि लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देख ले, बाकायदा प्लानिंग के साथ मीटिंग तय करना, ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। हाँ, इत्तेफाकी तौर पे, मिसाल के तौर पे लड़की किसी प्रोग्राम में गई है तो लड़का जो है ना वो उस प्रोग्राम में गया हुआ है या उस प्रोग्राम में जाकर वो लड़की को देख सकता है दूर से, तो देखने की इजाज़त है। इसी तरह से लड़की भी लड़के को देख सकती है, लेकिन प्लानिंग करके मुलाकात तय कराना ये दुरुस्त नहीं है। इत्तेफाकी तौर पे एक दूसरे को अगर देखने का कोई रास्ता है, जैसे कि प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया, तो इसमें देखने की इजाज़त है। रही बात ये कि कोई भी कमी बेशी से अनजान ना रहे, तो उसका तरीक़ा शरीयत ने हमें ये बताया है कि घर, आपके घर से कुछ ख़वातीन जाएँ जो लड़की से मुलाकात करें, तो लड़की को देखें भालें, जैसे फूफी हैं, माँ हैं, बहन हैं, ठीक है ना, खाला हैं, उससे क्या होगा, ये घर की ख़वातीन जब लड़की के घर जाएंगी और लड़की से मुलाकात करेंगी तो अच्छा बुरा जो भी है, जो भी कोई ऐसी कमी बेशी है, वो ज़ाहिर हो जाएगी भाई क्या है, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर लड़की देखना चाहती है और आप ये चाहते हैं कि आपकी कमी बेशी उसके सामने ज़ाहिर हो जाए, तो फिर लड़की वालों की तरफ से, लड़की के वाले साहब हैं, भाई हैं, चचा हैं, ठीक है ना, मामू हैं, तो वो लोग जो है आपसे मुलाकात करें, और आपसे मुलाकात करने के बाद जो भी अच्छा वाला वो देख ले, ठीक है। लेकिन मुलाकात प्लानिंग करके इसकी इजाज़त नहीं है।